नागौर से पूर्व कांग्रेस सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गयी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की। ज्योति मिर्धा मारवाड़ के ताकतवर सियासी परिवार से संबंध रखती हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नाथुराम मिर्धा की पोती हैं। ज्योति के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को नागौर सीट पर मजबूत उम्मीदवार मिल गया। बीजेपी उन्हें नागौर लोकसभा सीट से चुनाव में उतार सकती है। वो एनडीए के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से हार गयी थी। हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। अब उनका बीजेपी से गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी को नागौर से मजबूत चेहरे की तलाश थी। ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने से अब कांग्रेस और बीजेपी के सियासी समीकरण बदल गए। कांग्रेस में अब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नए चेहरे के लिए स्कोप हो गया। हनुमान बेनीवाल के लिए अब नागौर की सीट सियासी रूप से बहुत मुश्किल हो गई। हनुमान बेनीवाल अकेले लड़ते हैं तो उनके लिए राह आसान नहीं होगी। बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को पार्टी में लेकर नागौर के सियासी समीकरण साधने का प्रयास किया। मिर्धा परिवार का अब भी नागौर की सियासत पर प्रभाव है। पहले नाथू राम मिर्धा के देहांत के बाद हुए उपचुनाव में दिग्गज नेता राम निवास मिर्धा को हराया था, लेकिन बाद में वो सियासत से दूर हो गए। ज्योति मिर्धा 2009 में नागौर सीट से सांसद रही, लेकिन 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव हार गई। मिर्धा परिवार की हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से रिश्तेदारी है। ज्योति मिर्धा की बहन श्वेता मिर्धा भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी है। मिर्धा परिवार के और नेताओं की भी बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रक्षपाल मिर्धा और उनके बेटे डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा के भी बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। रक्षपाल मिर्धा ज्योति मिर्धा के चाचा हैं।